बादशाह बुला रहे, आप लोग शुरू हो जाओ। कितना भी घंटा बजाओ लेकिन नए बादशाह के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अब किससे शिकायत करें, किसको सुनाएं हम अपने दुख दर्द? क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ कैसे? बीरबल जी, हम सब बहुत मुसीबत में हैं, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। अरे लेकिन आप सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे गुस्सा ना करे तो क्या करे बीरबल जी, वो नए महाराज ने कुओं और तालाबों से पानी निकालने पर भी कर लगा दिया है और हमारे कारखानों को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया है। नए बादशाह के मुल्क का बना ये घटिया सामान यहाँ जबरदस्ती बिकवाया जा रहा है और वो भी उतने ऊंचे दामों पर। हमसे बताइए के और क्या क्या समस्या है, हमसे बताइए। और तो और महंगाई का तो ये आलम है कि जो चीज बादशाह अकबर के समय में एक मोहर के मिलती थी आज वो दस दस मोहरों में मिल रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग जीने की बजाय मरना पसंद करेंगे। अरे कई किसान तो खुदकुशी कर भी चुके हैं। जानते हैं हम के प्रजा का बुरा हाल है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो नया बादशाह है वो हमारे देश को लूट रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जब देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर ही गलत आदमी बैठा हो तो देश का बर्बाद होना तो तय है। काश की बादशाह अकबर आज जिंदा होते तो आज ये देश और आवाम की दुर्दशा ना होती। जहां बना आप क्यों गए विश्व विजेता बनने? भाई हम ठीक तो कर रहे हैं ना? शाही खून है हम, कुछ भी करने से पहले कुछ भी सोचते नहीं हैं। मुझे पता है, मतलब आप करने के बाद सोचते हो, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, हम ना करने से पहले सोचते हैं और ना करने के बाद। तो सोचते कब हो? कभी नहीं, ऐसे फालतू कामों में हम अपना दिमाग खर्च नहीं करते। ओ सही है भाई, सोच सोच के दिमाग अगर खर्च करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। चलिए चलिए बढ़िया है। ए, क्या कर रहे हो तुम दोनों? वही कर रहे हैं जो एक लायक बेटे को अपने पिता के लिए करना चाहिए। इसका मतलब आप लोग ये महल और रियासत छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं? वाह क्या सुर पकड़ा है आप दोनों ने, वाह। जहां पना ये सुनकर कितने खुश होंगे। हम सिर्फ खाना देने जा रहे हैं, सिर्फ खाना। किसे? जहां पना को। आपको कैसे पता? क्योंकि हम आपका पीछा कर रहे थे। देखा उर्वशी हमारा पीछा कर रही थी, मोहब्बत जो करती है हमसे। उर्वशी के इतने दिन खराब थोड़ी ना आए हैं कि वो आपका पीछा करेगी। आपका, वो तो हमारा पीछा कर रही थी, है ना उर्वशी जी? हमारा पीछा कर रही थी। हमारा 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 हमारा। बस कीजिए आप दोनों, मेरा मतलब है बस कीजिए शहजादे सलीम। आप दोनों की इस गलती की वजह से बिरबल की पूरी योजना पर पानी फिर सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि राजा दरबान ने आके हमें सब कुछ बता दिया। किससे पूछ के जहां पना को खाना देने जा रहे थे आप लोग? बावर्ची से। हमारे होते हुए अब्बा हुजूर भूखे रहे ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाही खून है हम, और वैसे भी अब्बा हुजूर से भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर वो भूखे रहे तो पता नहीं क्या कर देंगे। मुझे पता है, वो महल की सारी खिड़कियाँ सारे दरवाजे खा जाएंगे, क्योंकि इस उम्र में वो दीवारें तो चबा नहीं पाएंगे ना। आप दोनों जहाँ पना को खाना देने नहीं जा सकते। ठीक है, तो उनको यहाँ बुला लेते हैं, यहाँ बैठ के आराम से खा लेंगे फूफू। आप लोग समझते क्यों नहीं, अगर आप दोनों जहाँ पना के लिए खाना लेकर जाएंगे तो हमारे इस नाटक की पोल खुल जाएगी। वो बिल्ली हमारा फिर से बादाम और पिस्ते वाला दूध पी गई? नहीं, अभी अभी खबर आई है कि वजीर आजम वापस आ गए। क्या? हाँ, वजीर आजम वापस आ रहे। अगर वो वापस आ गए तो हमारे नाटक की पोल खुल जाएगी। अब हम क्या करेंगे तानसेन जी? तुम एक काम करो ऋषि, तुम जाके किसी भी हाल में वजीर आजम को रोक लो। हम कैसे रोकेंगे? हम समझ गए।